हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज प्रोटीन्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 हेल्दी ईटिंग। ठीक है, कल हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स और आज हम करने जा रहे हैं प्रोटीन्स। फूड सच एज मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन्स, चीज, ग्राम, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा कंटेन्स प्रोटीन। इन सब चीज़ों में बेटे प्रोटीन होता है, जिनके हमने अभी नेम लिए हैं, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन होता है। दीज फूड्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। ये सारे फूड हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं और अपने डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए जो है चाहिए होते हैं। Therefore, they are called body building food. ये सारे बेटे फूड जो इस लिस्ट में हैं, मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन, चीज, ग्राम, एग्स, मीट, फिश, ये सभी जो हैं बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, प्रोटीन्स को हम, प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। दाल मखनी, राजमा एंड पालक पनीर आर माई फेवरेट डिशेज रिच इन प्रोटीन। ये जो चीज़ें हैं बेटे, दाल मखनी, राजमा, पालक पनीर, सबको पसंद है, मुझे पता है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं बेटे, सारी फूड आइटम्स जो ये वाली हैं, ये रिच इन प्रोटीन्स होती हैं, इनमें ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मैं ओरिजिनल में आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रही हूँ, देखिए जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आ गया एग। ठीक है, दिस इज अ एग और ये रिच इन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको लेने से हमारे डैमेज जो बॉडी के टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, और बॉडी की ग्रोथ होती है। दिस इज अ एग। ठीक है, सो यू हैव टू ईट अ एग एवरी डे। नाउ कम टू द राजमा। ठीक है, राजमा जो है बेटे, ये भी रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। देन ग्राम्स, दीज आर आल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन्स। सबके घर में अवेलेबल होते हैं ये चीज़ें, सबके किचन में अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। आपने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी है और इन चीज़ों का अपनी जो है फूड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है रूटीन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, पल्सेस, दालें, जितनी भी किचन में आपके दालें होती हैं वो रिच इन प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दालें जो हैं खानी चाहिए अपने खाने में। उनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है और हम हमारे डैमेज टिश्यूज और सेल्स जो है वो रिपेयर होते हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही है प्रोटीन्स टॉपिक, और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।